शाजिया जी, आप पैनल पे बैठी हुई हैं, इन्हें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इन्हें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही और ना ही इनको लग रहा है कि आप एक मुसलमान महिला हैं। आपकी आवाज इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? यही दिक्कत है कि एक मुस्लिम महिला की आवाज इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि वो आवाज कैसे दबा दी थी संसद के अंदर वो हमने देखा है। देखिए, इनको ना तो इस्लाम से मतलब है, इनको सिर्फ सियासत से मतलब है। ये इतने भाजपाई कांग्रेस इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि ये कुरान को भी नहीं मानना चाहते हैं। तलाक बिद्दा के मामले में यही हुआ कि जो तलाक हसन और तलाक अहसन था, जो सही माना गया, जो कुरान शरीफ का हिस्सा था, उसको छोड़कर ये तलाक बिद्दा को सही कह रहे थे सालों साल तक। यही पूरी लड़ाई हुई थी, आपको चाहे याद होगा। तो ये कुरान शरीफ को भी भूल गए अपनी सियासत के चक्कर में, संविधान में मानते हैं नहीं, शरीयत की बात कर रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं ये लोग। अच्छा, इन्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती, ये जानते हैं कितनी मुस्लिम महिलाएं। ये मैं जानती हूँ, कानपुर चमनगंज की रहने वाली हूँ, कि चाहे जुबैदा खाला हो या आसिया आपा हो, सबकी वही कहानियाँ रही हैं, कैसे दर दर भटकती थी, ज़कात के उसके पैसे लेने आती थी, सबकी एक ही कहानी थी, शौहर ने छोड़ दिया है, तीन चार बच्चे हैं। अभी कह रहे थे वो आज़ाद है, आज़ाद है वो तीन चार बच्चों के साथ कहाँ जाएगी, कौन उसका देखभाल करेगा? तारिक ने तो कर लिया, उनके माँ बाप ने रख लिया, एमए पढ़ा लिया, बाकी लड़कियाँ क्या करेंगी? और ये हजारों लाखों में हैं ऐसी लोग, कभी कम उम्र की, कोई ज़्यादा उम्र की। और हमारी बहनें हैं वो सब, हमारी ही बच्चियाँ हैं वो लोग, हमसे बड़ी, हमारी बड़ी बहनों की तरह से वो लोग हैं, कहाँ जाएंगी? और अगर आप सोचिए 1985 में ये हुआ, अगर 1986 में इतना दखियानूसी कानून नहीं आता, सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलानाओं को खुश करने के लिए, जो ठेकेदारी कर रहे थे वोट की भी और धर्म की भी, तो आप सोचिए कितनी वही नानी दादियाँ आज होती जिनकी ज़िंदगी बेहतर होती। तो मैं चाहती हूँ ये लोग माफ़ी मांगे उन औरतों के साथ, उनकी ज़िंदगी बेहतर होती, उनके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर होती, और सालों साल चले गए लेकिन हम यही देखते रह गए। मेरी आवाज़ क्या सुनेंगे, अपने घर की औरतों की आवाज़ ही सुनते? मैं तो बहुत दूर की चीज हूँ। बात शाजिया जी कह रही है, घर की औरतों की, मौलाना साहब, कि आपको ऐसा लगता है कि घर की महिलाओं की आवाज नहीं सुनती? वो कह रहे हैं कि वो उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं तो बाहर की कैसे सुनेंगे? मुझे मुझे दिक्कत इस बात की है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक तरह से एक संवैधानिक जो एक डिक्टेट है, उसको भी आप दरकिनार करके कई मौलाना उस पर सवाल उठाने लग गए हैं, और ये कह रहे हैं कि ये पहले से ये जो फैसला है ये एक तरह से राजनीति से प्रभावित है, मेंटेनेंस का कोई हक ही नहीं है। आप ये कहते हैं कि सारे हक दिए गए, लेकिन ये मौलाना मसूद फरीदी कह रहे हैं कि तलाकशुदा को मेंटेनेंस का हक नहीं है। मेरा सवाल तो इसी से बनता है, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की जरूरत है। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हक औरत का है वो यकीनन दिया जा रहा है। तीन महीने तक उसकी इद्दत के जो दिन होते हैं उसके अंदर उसका शौहर उसको बराबर और उसके बाद मेंटेनेंस दे रहा और है उसके बाद, और मैं आपको अभी कहा कि अगर उससे औलाद हुई है, नहीं नहीं उसके बाद क्या होगा, सुन तो लीजिए ना, उसके बाद क्या होगा उसका? शाजिया जी जरा सुन लीजिए, नहीं नहीं वो तो हो गया, सुन लीजिए उसके बाद क्या? नहीं 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 सुनाइए, अरे उसके वो निकाह में नहीं है, उसके वो उसके बाद क्या होगा? नहीं उसके वो निकाह में है ही नहीं ना, उसका उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर औलाद है तो औलाद को पाल रहा है, वो औलाद को मेंटेनेंस दे रहा, औलाद की तालीम के लिए सारा खर्च दे रहा। नहीं नहीं अरे अब उसका उससे ताल्लुक ही नहीं है ना, ना बोलिए आप, उससे उसका ताल्लुक ही नहीं है। हम लोगों ने क्यों देखा वो बताइए आप, रोजाना मैं रोजाना देखती हूँ मामलों को। तीन महीने तक क्या हो जाएगा, उसके बाद आप बच्चे पैदा करते हैं? अरे उसके निकाह में जब शामिल नहीं है तो उसका मेंटेनेंस क्यों देगा? उसकी मर्जी के बगैर, उसके लिए वो गैर हो चुकी है, तीन महीने तक हम दे देंगे इद्दत की तुम्हें कोई राशि, गैर हो गई, जाओ तुम, उसका उसका ताल्लुक नहीं है, दफा हो। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? सुनिए, नहीं उसकी मर्जी से भी तलाक नहीं होती, जबरन तलाक दी जाती है उसको। शाजिया जी जरा सुनिए, आप क्या बात कह रहे हैं भाई साहब आप? अरे जरा सुन लीजिए, तीन महीनों में क्या हो जाएगा? भाई आप शौहर हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप तलाक दे रहे हैं तो उसका गुजारा भत्ता तो दीजिए आप। अगर आप कमा रहे हो और उसके पास बच्चों का बराबर दे रहे हैं, बच्चों की पूरी परवरिश का पैसा दे रहे हैं, बच्चों की परवरिश का पैसा पूरा दिया जा रहा है, उसकी तालीम के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। मौलाना साहब ये जब आप कह रहे हैं कि बच्चों की परवरिश के पैसे दे रहे हैं तो कोई एहसान हो रहा है क्या?
कोई एहसान है ये? बच्चों की परवरिश के पैसे दे रहे हैं। अरे भाई बच्चे आपके हैं तो पालेंगे भी आप, उसके खर्चे भी आप ही देंगे, तो इसमें कौन सा एहसान कर रहे हैं? इट्स नॉट चैरिटी सर, मौलाना साहब चैरिटी नहीं है ये। अगर आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, होता नहीं है, कौन सी बहुत बड़ी दलील है उनके पास, बोलिए मौलाना साहब बताइए जी, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। नहीं नहीं आप अपनी दलील रखिए ना, आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ है, क्या है वो? नहीं वो औरत कहाँ जाएगी? देखिए मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में शादी एक, अरे सुन तो लीजिए पहले, इस्लाम एक कॉन्ट्रैक्ट है और उससे जो औलाद होती है वो औलाद को वो जब तक के कमाने के काबिल ना हो जाए, जब तक के उनकी तालीम कंप्लीट ना हो जाए, जब तक के वो जॉब से ना लग जाए, वो बच्चों की जिम्मेदारी बाप की है। अब रहा सवाल औरत जो उसके निकाह में है ही नहीं तो उसको वह क्या मेंटेनेंस देगा। अब रहा सवाल कोर्ट की बात हो रही है तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं यही हमारा संविधान है जो हमारे अपने मजहब पे चलने की हमको इजाजत देता है। मुस्लिम पर सल्ला, मुस्लिम पर सल्ला कर रहे हैं क्या हिंदुस्तान में खाली मुस्लिम पर सल्ला है, दूसरों का पर सल्ला नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का क्या है? क्रिश्चियन पर सल्ला का क्या है? नागास का क्या है? मिजोस का क्या है? सारे पर सल्ला खत्म करेंगे आप? कैसी बात कर रहे हैं? खाली मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं आप लोग। एक एक करके मैं भाई साहब, मैं एक एक करके आपको, मैं एक एक शादी जी, मैं एक बार जरा एक कानूनी पहलू लेने के लिए अश्विनी जी के पास जा रही हूँ, तारिक साहब के पास भी आऊंगी, एक मिनट। मैं एक बार जरा ये दिखाना भी चाहती हूँ अश्विनी जी कि बहुत सी ऐसी हिंदू महिलाएं भी हैं जो इस अधिकार के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद खुश हैं इस बात से कि उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए जो हिंदू महिलाएं या फिर बाकी महिलाओं के पास है। जरा एक बार सुनवाती हूँ कि क्या रिएक्शन है महिलाओं के बीच, उसके बाद वापस आ रही हूँ। अब तो ये हक है, अब निकाला है कानून ने, हम कानून से जो कोर्ट ने फैसला निकाला उससे बहुत ज्यादा हम लोग खुश है, सभी महिलाएं मुस्लिम महिलाएं। जब मेरी तालाक हुई थी तो मेरी बच्ची को 17 महीने के लेके दुनिया में काम करती फिर रही थी, जब कोई सहारा नहीं था, ना माँ बनती सहारा ना ससुराल वाले सहारा बनते, इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है क्योंकि महिला कोई भी हो अगर उसको तलाक देता है उसका पति तो उसके गुजारे की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसका किसी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं है, महिला महिला होती है। सबसे पहली जो जाति है वो हिंदू और मुस्लिम ना होकर महिला जाति है, और कोई भी महिला जब वो पीड़ित होती है जब उसका पति तलाक देता है तो निश्चित उसकी भावनाओं के साथ साथ उसके रहन सहन और उसके गुजारे के लिए उसको भत्ता मिलना बहुत ही आवश्यक है।